ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि। मगर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग सितंबर के अंत भाग में किस प्रकार का बनने वाला है। 24 तारीख मंगलवार का अवसर सप्तमी तिथि है और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये मिथुन राशि में गया हुआ चंद्रमा देखिए मेष राशि वालों के लिए थोड़ा भारी रहेगा, एंजाइटी बढ़ा सकता है, अननेसेसरी की थोड़ी मनोमस्तिष्क में परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। दो तीन दिन की बात है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए, अननेसेसरी की वरीज ना पालें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ओवर एग्जर्शन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। तो उसके लिए चावल का दान, महामृत्युंजय मंत्र का जप ये अच्छा रहेगा आपके लिए, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सप्तमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, यानी 24 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध, शुद्ध रूप से तिथि है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक विराजमान रहेगी। तो मध्यान्ह काल में करीब करीब जब मध्यान्ह 12 बजे के आसपास का समय जो होता है, मध्यान्ह सूर्य बिल्कुल जब सेंटर में हो उससे करीब करीब थोड़ी देर पहले तर्पण इत्यादि कर ब्राह्मण भोजन कराएं, आशीर्वाद मिलेगा, पितरों के निमित्त शांति प्राप्त करने का योग बनेगा। 25 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी है उस दिन, अष्टमी का श्राद्ध उस दिन रूप से रहेगा, सुंदर रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा से ग्रह आपके भारी हैं इस दिन, जल्दी परिवर्तन का योग बन रहा है, चिंता ना करें, थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा जो रिजर्व होकर चलने का प्रयास करें, अननेसेसरी की हरी वरी और करी तीनों का अवॉइड करने का प्रयास करें, खान पान में संयम बरतें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। और समय है, देखिए हवाएं आती हैं निकल जाती हैं, तो कोई चिंता नहीं, इस समय को समझते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मौसम विभाग ये बता रहा है कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, उसमें आप कहें नहीं मुझे बाहर जाना ही जाना है, तो कहा जाता है प्रिकॉशन लेके चलो। तो इसी प्रकार से ग्रह नक्षत्र उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते हुए कार्य कर रहे हैं कि आपका ग्रह थोड़ा सा भारी है इन दिनों, अननेसेसरी कर दीजिए, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान रख के करोगे, इम्यूनिटी बढ़ा के काम करोगे तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे, लेकिन सुबह थोड़ी हल्की है, शाम को पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं। शाम होते होते आपके अंदर एनर्जी, जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा आपके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ऐसा ही ग्रह योग दिखा रहे हैं। नौमी है, नौमी के निमित्त श्राद्ध किया जाएगा और सौभाग्यवती स्त्रियों के निमित्त भी श्राद्ध इस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। कोई परिवार में सौभाग्यवती स्त्री का पलायन हुआ हो और उनका शरीर गया हो, तो उस दिन यदि किसी दिन भी उनकी तिथि याद नहीं है तो इस दिन अवश्य उन स्त्रियों के निमित्त कोई है नहीं आगे पीछे, तो आप अवश्य आप भी करा सकते हैं, शास्त्र में नियम है, तो आप किसी के निमित्त भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये नहीं कि परिवार के निमित्त, बाहर के व्यक्ति भी, गुरुजन के प्रति भी, कोई मित्र भी है उसके प्रति भी, उनके परिवार में कोई नहीं है तो तब भी आप उनके निमित्त भी श्राद्ध कर सकते हैं। लगता है कोई भी व्यक्ति अपेक्षा करता है, वो दिवंगत आत्मा कहीं ना कहीं जाती है, अपने किसी इष्ट के पास ही जाएगी, किसी प्रिय व्यक्ति के पास ही जाएगी, तो अवश्य उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं, शास्त्र में प्रमाणित है। ऐसा कहीं नहीं है कि परिवार जनों का ही करें, आप हमारे यहाँ तो भीष्म का श्राद्ध हर एक को करने की आज्ञा है, देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, समस्त ऋषियों के निमित्त सप्तऋषियों का श्राद्ध किया, तर्पण किया जाता है, तो अवश्य आप भी इस बात का ध्यान रखें, किसी के निमित्त भी तो अवश्य, जिनका अभी जल दे रहे हैं नित्य प्रति जल दिया कीजिए, हर रोज़ अपने जो दिवंगत आत्माएं हैं जिनका भी याद आ जाए मंत्र पढ़ते हुए अवश्य उनके निमित्त श्राद्ध कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही मिलेगा। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, दशमी तिथि के निमित्त श्राद्ध किया जाएगा, ग्रह आपके अनुकूल हो चुके हैं, नई हिम्मत नई शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी कर रही होगी बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव तरीके से अब चीज़ों को देखने का रास्ता बनता दिखाई देगा आपके लिए, आगे बढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के रास्ते आपके लिए प्रशस्त हैं। गौ पूजन करें, श्राद्ध चल रहे हैं, वैसे भी शुक्रवार का अवसर है तो ऐसे में समस्त देवताओं का वास कहा जाता है गौ के अंदर होता है, तो गाय के निमित्त कुछ अवश्य दान पुण्य कीजिएगा, हरी चीज़ों का दान कीजिएगा, देखिए पुण्य के योग बनते दिखाई देंगे। 28 तारीख शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और ये एकादशी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, दूसरी बार पड़ रही है इसी 15 दिनों के दौरान में। देखिए शनि इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से वक्र अवस्था में द्वितीय भाव में चल रहे हैं, साढ़े साथ ही आप पे चल रही है, देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है कि शनि के दिन अवश्य कुछ ना कुछ उपाय करें, भगवान विष्णु का सुंदर पाठ कर लीजिए, इससे आपके कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का सुंदर अभिषेक कर लीजिए, तिलयुक्त दूध से या तिलयुक्त जल से, पंचामृत से, देखिए उसमें कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की कृपा से रास्ता बनेगा। एकादशी के दिन श्राद्ध इस दिन रहेगा, एकादशी के निमित्त श्राद्ध करते वक्त कई लोगों के मन में भ्रांति होती है, कई व्यक्ति मिलते नहीं है उस दिन, ब्राह्मण भोजन कौन करे, एकादशी के उपवास में है तो कच्चा अन्न दे सकते हैं आप, फलहार इत्यादि दान कर सकते हैं, वो भी शास्त्र में तर्पण के निमित्त ही कहा जाता है।
तो मकर राशि वालों 29 तारीख के दिन ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो भी समझ लीजिए। 29 तारीख रविवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, सन्यासियों के रिवर श्राद्ध करने का भी शास्त्र में प्रमाण मिलता है। इस दिन जो व्यक्ति जीवन में हमारे घर परिवार के सन्यास ले चुके हैं उनके निमित्त भी श्राद्ध इस दिन किया जाना चाहिए। तो ये देखिए, और साथ साथ द्वादशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और परिवर्तन करके थोड़ा सा बंधन मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होता दिखाई देगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा खुल के काम करने में दिक्कत है, चंद्रमा थोड़े से जिस मनोमस्तिष्क की तरफ जा रहे हैं, वृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीतरागिता, थोड़ा सा बंधन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर मनोमस्तिष्क में है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा उपाय करने का ज़रूरत है। उपाय करें, भगवान सूर्य का ध्यान सुबह सुबह करते हुए गायत्री का जप यज्ञ इत्यादि कर लें, भगवान सूर्य को जल दें, इससे कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। 30 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है और सोम प्रदोष का योग बन रहा है। सोम प्रदोष का योग बड़ा सुंदर है, त्रयोदशी और सोमवार कहा जाता है समस्त दोषों को हरने का दिन। त्रयोदशी भी भगवान शंकर की उपासना के लिए बनाई गई है और साथ साथ सोमवार का दिवस ही, इन दोनों की युति जब हो जाए तो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। साथ साथ श्राद्ध भी चल रहे हैं, त्रयोदशी का श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का बन रहा है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए सोम प्रदोष का योग है, ऐसे में शनि को आपको मनाना जरूरी, क्योंकि शनि अंतिम भाव में चल रहे हैं, साढ़े साथी का अंतिम दौर चल रहा है आपके लिए। तो हो सके तो शाम को भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें, तिल के तिल युक्त जल लेकर या तिल युक्त दूध लेकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए, ये विशेष उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए शनि 15 नवंबर तक थोड़ी वक्री अवस्था में है और साढ़े साथी के अंतिम भाग में आप चल रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि शनि बदलते हुए साढ़े साथी उतरते हुए बहुत कुछ देखी जाती है, तो लेकिन जाते हुए शनि महाराज जो है वो वक्री स्थिति में जो आए हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका आपको ठीक से उपाय कर लेना चाहिए। और ये दिन बहुत खास है, तो शाम के समय थोड़ा तिलयुक्त दूध लेकर, तिलयुक्त जल लेकर तो आप भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें, इससे श्रेष्ठ उपाय हो नहीं सकता। कहा जाता है शास्त्र में कि सोम प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ शाम के समय संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनको आशीर्वाद देकर उनके समस्त कष्ट दूर करने के योग बनाते हैं। श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध अवश्य करिए। बहुत सारे लोग अनेक भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम ये बात समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा भी आपने सुना पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का युवा योग बनता दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु इस संसार में, न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है, पुनरपि जन्म, ये बात सिद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पर आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी वंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर तो वहाँ लिखा होता है कि जैसे किसी की दशा में कौन सी दशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही प्रति समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो एक वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद,
जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी एक वर्ष तक, एक वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है, तो उस एक वर्ष के अंतर्गत तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्मशांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं, सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है, तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियाँ बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुंचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है, और जब वो ले नहीं पहुंच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है, लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ा आए, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है, जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तीन पीढ़ी तक पिता पितामह परपितामह यानी तीन पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्यान्ह काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्यान्ह काल में हो, उस तिथि जो मध्यान्ह काल में जो व्यापनी हो स्थिति, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध आश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण, और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं, गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ के ग्रास निकाल सकते हैं, चींटी भुक्षुक कौआ काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गौ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें, और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप दो केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में, पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट, अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विचित्र विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के बस गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप अपनी आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता किसी व्यक्ति ने बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया तो शायद पिता उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है वो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा, उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्ठाभित कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं?
माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी, जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको उनके पितर के निमित्त निकाल कर मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितर निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है, और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं, नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस ये देवतीर्थ है, आगे वाली उंगलियाँ ये पितृतीर्थ है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ एक लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, यदि स्त्री है तो से सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये दो देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और सुधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुँचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से पूर्ण संपर्क साध कर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितर रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न नहीं होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे, ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके पितृ कतई आपसे प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे, उनको तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं। बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितर उसी रूप में विद्यमान है और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वलकल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे, ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आप जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार जीवन में, चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती है, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है?
ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है, और विवेकानंद योग आश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं, और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।